दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का प्रतीक ब्लॉग्स पे, और ये मेरा पहला ब्लॉग्स है तो प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। और अभी मैं चल रहा हूँ दमन, और वहाँ पे आप लोगों को दमन की मार्केट और बीचेस दिखाने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो पे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फिलहाल अभी हम दमन में पहुँच चुके हैं। कुछ इस तरह से सामने आप देख सकते हो, धोबी तालाब है ये दमन का, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है हरा भरा, क्योंकि बरसात तो ख़त्म हुई है और पानी तो वैसे ही रेगुलर पौधों को मिलता ही रहता है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और सामने ये शोरूम बना हुआ है, HP गैस का शायद शोरूम है। और यहाँ से बस हमारा जो सफ़र है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी यहीं पे हम चौराहा पे बिल्कुल आ चुके हैं। तो उतरते हैं, मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल अभी धूप बहुत तेज़ है और अभी हम आ चुके हैं दमन में, और दमन में ये पीछे आप देख सकते हो सिटी सेंटर, यानी कि बस स्टैंड जो है मेरे जस्ट पीछे ही था। और टैक्सी से आया था मैं, क्योंकि अगर वैसे आते हो तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है घूमने का। अभी मैं आप लोगों को मार्केट वगैरह है जो अच्छे से दिखा सकता हूँ, व्हीकल वगैरह होता है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है दिखाने पे। फिलहाल अभी हम जो है सब्जी मार्केट के बिल्कुल नज़दीक पे हैं, तो चलते हैं सबसे पहले आपको सब्जी मार्केट दिखाते हैं। अभी मैं इस तरफ से आया हूँ और ये आप देख सकते हो, ये इधर पे शायद कोई मस्जिद वगैरह है, और ये यहाँ से गली दी है सब्जी मार्केट के लिए। तो मैं चलता हूँ अंदर और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसी है सब्जी मार्केट। थोड़ा मैं आप लोगों को जो है ये टाइम लैप्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। कल अभी मैं मार्केट की तरफ से आ रहा हूँ और थोड़ा टाइम लैप्स लेने पे वो जो है टाइमिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा सेट कर दिया, उसकी वजह से टाइम लैप्स इतना अच्छा नहीं आ पाया। और अभी मैं आ गया हूँ जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है ये इधर पे पीछे मेरे, और ये है इधर पे चाइना मार्केट। तो यहाँ से निकल रहे हैं और थोड़ा आप लोगों को चाइना मार्केट का दिखा देते हैं कैसा क्या है। फिलहाल अलग से मैंने वीडियो बना रखा है सऊदीया मार्केट के नाम से। फिलहाल अभी हम चाइना मार्केट पे इंटर हो ही रहे हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप देख सकते हो तो काफ़ी सारी दुकानें जो है आज खुली हुई है। वैसे मंडे है तो कुछ दुकानें बंद भी होंगी, ये चॉकलेट की दुकानें आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो है ब्रांडेड चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, थोड़ा महंगी मिलती है लेकिन अच्छी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप अगर कुछ जो है ब्रांडेड जो चीज़ें लेना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। ये जो है चाइना मार्केट किसी से भी आप पूछ लोगे वो आपको बता देगा। जो बस स्टैंड है दमन का, वहाँ से महज जो है 200 मीटर की दूरी पे ये बनी हुई है, और मल्टी लेवल पार्किंग के जस्ट अपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे आप आ सकते हो और सामान वगैरह जो ख़रीदना है खरीद सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी जो है इलेक्ट्रिक वॉच वगैरह जो है वो भी मिल जाती है, तो जो भी आपको लेना है यहाँ पर आकर ले सकते हो। अभी मैं पीछे वहाँ पर खड़ा हुआ था जहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, और चाइना मार्केट से होते हुए अभी मैं इस चौराहे पर आ गया हूँ। और यहाँ से जो है रोड चार हिस्सों में बढ़ जाता है, एक आगे सी फेस रोड पे और दूसरा देवका बीच, और ये एक जो है जेटी की तरफ। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं नानी दमन बीच की तरफ, जो कि हमको सामने जाना पड़ेगा। अभी मैं सी फेस रोड पे हूँ और ये इधर पे है मरीना। मरीना होटल के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था जब मैंने दमन के होटल से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने काफ़ी सारे होटल को जो है इंक्लूड किया था वीडियोज़ पर। और यहाँ पर गोकुल होटल पड़ता है, तो गोकुल होटल के लिए बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि मैं उस पर फिर से जाके वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो वीडियो जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। तो कोशिश करेंगे कि आज ही चल के आप लोगों को वो वीडियो जो है बना लेंगे चल के, और मिलवाएंगे कैसा है कैसा नहीं अभी, क्योंकि प्राइस वगैरह जो है थोड़ा शायद हाइक हो गए होंगे। तो वहाँ पर भी चलेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे होटल आप लोगों को मिल जाएंगे सी फेयर रोड पर, थोड़ा महंगे पड़ेंगे लेकिन बीच के किनारे जो है वो मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम बिल्कुल जो है बीच के किनारे आ ही चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे सी फूड्स जो है वो खाने को मिल जाते हैं। तो अगर आप सी फूड्स खाने के इच्छुक हो तो यहाँ पे आइए, काफ़ी अलग अलग वैरायटी के जो है सी फूड्स आपको खाने को मिल जाएंगे। और एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई होटल का ओनर है, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, गुरु कृपा ब्राइटन मरीना और भी अन्य, अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों को मिल जाएगा अबाउट पे जाने पे, तो वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बीच के बिल्कुल किनारे आ चुके हैं, और आज जैसा कि सोमवार है फिलहाल भी करीब 2 बज रहे हैं, 1:30 या 2 बज रहे होंगे ऐसा टाइम, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। और ये भी है यहाँ पर जो सरकारी गेस्ट हाउस होता है ना, वो यहाँ पर लिखा होगा सर्किट हाउस बोलते हैं, सर्किट हाउस बोलते हैं, सरकारी जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर फ्री जो है रहने के लिए बना हुआ है। तो
अभी फिलहाल हम आ चुके हैं बिल्कुल किनारे से। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत समय पहले यहाँ का वीडियो दिखाया था तो बताया था कि ये जो बन रहा है तो ये दो मछलियाँ बनी हुई है। जैसे ही आप इंटर करोगे समुद्र के किनारे पे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है स्टॉल वगैरह जो है अभी लग चुके हैं। पहले यहाँ पे कम थे लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। तो ये यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह, तो यहाँ पे सी फूड, जी मैं बात कर रहा था सी फूड की, तो सी फूड जो है ज़्यादा खाने को मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सी फूड सी ज़्यादा मिलता है खाने को। और साथ में अन्य चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ सी फूड सी मिलेगा, अन्य चीज़ें भी मिलेगी। और एक चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हाथ बुधवाने के लिए ऐसा सोचते हैं कि हाथ में मैं टैटू बनवा लूँगा ऐसा। ये जो यहाँ पे रोड बना हुआ है इसके किनारे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं करना है। बहुत सारी शॉप्स बनी हैं वहाँ पे, जाके पार्टिकुलर शॉप्स बनी हुई हैं, तो उनके पास जाकर आप जो है वो काम करवा सकते हो। ये लोग क्या है, एक तो आपका जो टैटू वगैरह है वो बिगाड़ देंगे, दूसरी चीज़ वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो कि वो लोग आर्टिस्ट लोग हैं वो बना देंगे। तो यहाँ पे शॉप पे जाके आप बनवा सकते हो टैटू वगैरह। ये लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड करते हैं क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है। और ये रहा भैया अपना नज़ारा, दिखा देता हूँ आपको बीच का, ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से लहर जो है अभी शायद अंदर की तरफ जा चुकी है। तो ये है बीच का नज़ारा, तो ये है अभी क्या है, ये बन गया है, पहले नहीं बना हुआ था अभी बन गया पूरी तरह से। सखी अभी ये दोपहर है, दोपहर में लहर जो चली गई अंदर की तरफ। वैसे यहाँ नानी जमन पे जो है लहर जाती नहीं रही है, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये जो है सब खाली दिख रहा है, वरना कभी नहीं जाती रही यहाँ पे, हमेशा पानी जो है देखने को मिलता ही रहा है। और बीच के किनारे आ गए हैं अभी, हमको क्या है माइक जो है वो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है इतनी ज़्यादा हवा का बहाव रहता है यहाँ पे तो वो आवाज़ जो है वो सही से नहीं आ पाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है चारों तरफ का व्यू, कुछ इस तरह से जो है व्यू देखने को मिल रहा है। और ये जो मैंने फिल्टर यूज़ किया है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये है पूरा नानी दमन बीच। फिलहाल अभी क्या है नीचे गए थे लेकिन वहाँ पे पानी वगैरह है नहीं, इसके लिए ऊपर आ गए हैं। और अभी हम चल रहे हैं जेटी की तरफ, जेटी से जो है नानी दमन फोर्ट पड़ता है, तो एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को वापस से। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी अपडेट देता हूँ कि जो ये जो यहाँ पे रोड बनने वाला था, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपडेट बहुत समय पहले ही दी थी, तो वहाँ पे एक टूटी बिल्डिंग थी जो मैंने आप लोगों को वीडियो में शायद दिखाई होगी कि जो है बिल्डिंग वो लहरों की वजह से टूट गई थी। तो वहाँ तक जो है ये काम हो चुका है, ये जो रोड बन रहा है जैसा कि जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ ऐसा, और साइड पे एक रोड, तो वहाँ तक जो है काम अभी हो ही रहा है। और देवका बीच का मैं अभी गया नहीं हूँ तो उसकी अपडेट अभी नहीं दे सकता हूँ, जब मैं देवका बीच जाऊँगा तो वहाँ की अपडेट आप लोगों को दे दूँगा। और चलते हैं और पहुँचते हैं सीधे नानी दमन फोर्ट पे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये रोड जो है खुदाई की गई, रोड को तोड़ा गया है, इधर पे शायद कुछ बना ना रहे होंगे। और ये बोटें खड़ी हुई हैं सारी बाहर, और वर्क जो है यहाँ पे चलने में लगा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था शायद जेट्टी वगैरह नया बना रहे हैं, पुराना वाला जो है जेट्टी वो डैमेज हो गया था, उसकी वजह से ये जो है यहाँ पे सब होने लगा है काम। और ये देख सकते हो ये एक बोट खड़ी हुई है, तो बोट जो है काफ़ी बड़ी बड़ी है, इनमें जो है मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं यहाँ के लोग। और बीच के अंदर भी जो है बहुत सारी जो है नावें हैं, भी मैं आप लोगों को आगे दिखा दूंगा, जो ये दमन गंगा रिवर है उस पर बहुत सारी नावें जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। मैं दमन जेटी पे आ चुका हूँ और यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा आज पानी कम है, शायद लहर जो है वो जा चुकी है इसके लिए। और ये आप देख सकते हो ये है दमन गंगा नदी का जो पुल है, और ये है दमन गंगा नदी जो कि समुद्र से मिली हुई जाके, और वो है लाइट हाउस। और वो वहाँ पे अभी आप देख सकते हो वो कुछ इस तरफ, थोड़ा सही नहीं दिख पा रहा है क्योंकि उल्टा लाइटिंग पड़ रही है इसकी वजह से, और क्योंकि हम लोग जो है सूरज की अपोजिट जो दिखा रहे हैं तो उसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे जो है एक कैफे बना हुआ है मीरा मर करके शायद होगा, याद नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबे समय पहले मैंने नाम देखा था। तो वहाँ पे जो है शूटिंग हुई थी तारक मेहता की उल्टा चश्मा की, तो वहाँ पे भी चलेंगे उस साइड जब तो आप लोगों को दिखा देंगे। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं और ऐसे ही पैदल ही आज घूम रहे हैं, काफ़ी समय लगने वाला है। तो अभी हम आ चुके हैं ये अपना जो नानी दमन का जेटी है, यहाँ पे देख सकते हो ये बन रहा है कुछ, क्या बन रहा है शायद जेटी ही बन रहा होगा,
हो सकता है कि जेटी ही बन रहा हो। और ये समुद्री सर टेम्पल, ये यहाँ पे जब भी कोई भी मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो यहाँ से पूजा वूजा करने के बाद ही जाते हैं। और ये देख सकते हो पुराना वाला जेटी है, ये जो है अभी पूरा ख़राब हो चुका है और आधा टूट भी गया है, थोड़ा सा बचा है, इतना ही बचा है, देख सकते हो इतना ही बचा हुआ है, बाकी जो था वो टूट चुका है, तो इसकी वजह से ये नया बनने में लगा है। तो अभी क्या है, हम लोग चलते हैं ऊपर और वहाँ से थोड़ा आप लोगों को जो है नानी दमन का फोर्ट है वो दिखा देते हैं चल के। तो फिलहाल अभी हम नानी दमन फोर्ट पे आ चुके हैं और ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के साथ, यानी कि हम दूसरे एपिसोड पे आप लोगों को जो है नानी दमन का फोर्ट और आगे का जो वीडियो है वो दिखाएंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही आपको दूसरे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।